अगर पृथ्वी शो की एक टेस्ट सेंचुरी के बाद आपने मन बना लिया है कि पृथ्वी शो वीरेंद्र सहवाग हैं, तो खामोश और खबरदार, पृथ्वी शो को वीरेंद्र सहवाग से कंपेयर करने से पहले एक नहीं, कम से कम 2 बार सोचिए। ये शब्द हमारे नहीं, ये शब्द हैं हमारे लीजेंडरी बैट्समैन गौतम गंभीर जी के। गौतम गंभीर ने कहा कि पृथ्वी शो ने अभी अभी खेलना शुरू किया है और उन्होंने पहली सेंचुरी तेज लगाई। इसके बाद उनको वीरेंद्र सहवाग के साथ कंपेयर किया जाने लगा। मेरा ऐसा मानना है कि पृथ्वी शो और वीरेंद्र सहवाग का कंपेरिजन करने वालों को एक नहीं 2 बार सोचना चाहिए, क्योंकि अभी पृथ्वी शो इसके बाद ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और वहाँ पर जो उनके सामने चैलेंज आएंगे वो आप भी देख लेना और मैं भी देख लूँगा। क्योंकि जब इंडिया एक होम सीरीज़ खेल के सीधा ऑस्ट्रेलिया जाएगी तो जाहिर सी बात है हर बल्लेबाज का मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ये स्पिन ट्रैक पर खेल रहे हैं और वहाँ पर मिलेंगे बाउंसी ट्रैक, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया अपनी फुल फ्लैश टीम इंडिया के सामने उतारेगा। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त बैटिंग में भले ही कमज़ोर दिख रहा हो, लेकिन इंडिया के सामने जो बॉलर बॉलिंग करेंगे वो होंगे पैट कमिंस, जोश हेसलवुड, मिचेल स्टार्क, और ये तीनों जिस तरह की घातक बॉलिंग करते हैं खास करके ऑस्ट्रेलिया में, इस बात से हम सभी वाकिफ़ हैं। और एक बात साफ़ है, वहाँ पर इंडिया के बैट्समैन को अपना असली टेस्ट देना ही पड़ेगा, और शायद इंग्लैंड से ज़्यादा टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज ले लें इंडिया का ऑस्ट्रेलिया में। 4 टेस्ट मैचों की ये सीरीज़, इसमें अगर पृथ्वी शो अच्छा खेलते हैं तो फिर तो उनके टैलेंट पर किसी का कोई संदेह नहीं रहेगा, क्योंकि वो बेहतरीन बल्लेबाज हैं। और लेकिन उनके नाम की जो काफ़ी ज़्यादा हवा उड़ी हुई है वो उनकी परफॉर्मेंस से मैच करना उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि जिस लेवल पर उनके नाम की हवा उड़ी है उसमें उनको वीरेंद्र सहवाग के साथ कंपेयर किया जाता है, उसमें उनको विराट कोहली के साथ कंपेयर किया जाता है, और उसमें उनको सचिन तेंदुलकर के साथ कंपेयर किया जा सकता जाता है। ये किसी भी नए बल्लेबाज के लिए एक चुनौती है उस हवा को बनाए रखना। और जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलिया में जब उनके सामने मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और पीटर सिडल बॉलिंग करेंगे तो ये उनके लिए आसान नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं राहुल चौधरी लेता हूँ आपसे विदा। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय श्री राम।